जानकी जी के साथ हुआ फुलवाड़ी में, बड़े उतावले हो रहे थे, सब उतावली हो रही थी, और जब राम जी को देखा तो मग लोचन राम ही उर्वानी, मग लोचन, लोचन के रास्ते से, आंखों के रास्ते से, मग लोचन राम ही उर्वानी अधीनी पलक कपाट सयानी, पलक रूपी कपाट, दरवाजा बंद, अब जाना नहीं प्रभु, दरवाजा बंद है, बोल कर भैया लाल की श्री राम जय राम। मनु जी महाराज की भी दशा ऐसे हो रही है, अब प्रगति से भगवान को देख रहे हैं, भगवान भक्त को देख रहे हैं, चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, न मनु जी कुछ कह रहे हैं न प्रभु कुछ पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, ये तो भक्त और भगवान की महिमा, यही दोनों जाने, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तुलसी बाबा असमर्थ थे, घंटों बीत गया, कोई कुछ कहे या कुछ कह भी नहीं रहे, वो पूछ भी नहीं रहे। आखिर में राम जी ने मौन तोड़ा, बोले राजन ए मुझे देखते ही रहोगे, कुछ बात नहीं करनी, श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, कुछ बात कर लो। बोले बात करने का प्रोग्राम ही नहीं है, मैं तो देखा हूं रूप भरी लोचन, मैं तो आपको देखना चाहता हूं, वर्षों हजारों साल लग गए, अब कम से कम सैकड़ों साल तो मैं जरूर देखूंगा, आपको हिलने नहीं दूंगा। श्री राम बोले देखो मैं जल्दी में हूं, मुझे जितना देखना दुखना देख लो, जो बात करना कर लो, जो मांगना है सो मांग लो। बोले क्या मांगू, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के, जरा देर ठहरो, जाने की जल्दी मत करना, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो ठहरो ठहरो, जरा देर ठहरो राम, तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अच्छा 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 जी भर लो। दो चार घंटे और हुए, भगवान ने कहा देखो अब मेरा पांव दुखने लगा है, मुझे पांव दुखने लगा है, राजन बात करो। बोले जो मांगना मांग लो। बोले इसके सिवा कुछ तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कुछ तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कुछ तमन्ना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये देखो परम स्वतंत्र
सर्व समर्थ आज भक्त के अधीन, जिसका दर्शन दुर्लभ है, ध्यान में भी नहीं आता, वह परमात्मा प्रकट हो गया, दर्शन भी दिया। और दर्शन ही नहीं ना, अपने भक्त से बात भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हूं जो जान निहारा। प्रेमाधीन श्री राम, प्रेम से बोलो श्री राम, जय राम। बोले देखो बात है राजन, कि मेरे और बहुत से भक्त बैठे हुए हैं, उनको दर्शन देना है, उनकी अभिलाषाएं पूरी करनी है। आप जैसे भक्त लोग बैठे हैं, मुझे जाना। बोले प्रभु अभी मेरा जी भरा नहीं। बोले कब भरेगा? बोले पता नहीं। बोले तो बड़ी कठिन समस्या है, कोई उपाय जोड़िए राजन, आपका काम भी बन जाए, मैं भी जाऊं। जो मांगना है मांग लो। महादानी हनुमान, मोरे नहीं अधेक अच्छ तुम्ही, कोई ऐसा चीज नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। जो मांग लो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मनु जी ने कहा कि प्रभु आपको जल्दी है और मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई, एक उपाय है। श्री राम जय राम जय जय राम। एक उपाय है, अगर आज्ञा हो तो मैं मांगू। बोले हाँ हाँ मांगो, जरूर मांगो। बोले संकोच हो रहा है। बोले काहे का संकोच? बोले जैसे एक दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए जो सब कुछ दे सकता है, लेकिन मांगने वाले की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। श्री राम जय राम। जथा दरिद्र विविध तरु पाई, एक नहीं कई कल्प वृक्ष, जो मांगना है मांग लो। मन वांछित फल की प्राप्ति जिसके माध्यम से हो जाए उसका नाम है कल्प वृक्ष। तो एक पेड़ आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन इनको तो विविध तरु। मनुष्य जी ने कहा कि जथा दरिद्र विविध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। यही मेरी हालत है महाराज। अब मैं जानता हूं कि आप सब कुछ दे सकते हो, आप सब पूरा कर सकते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बोले डर छोड़ दो, मांगो। बोले मांगो? बोले हाँ। बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, दानियों में श्रेष्ठ कृपा के सागर। सुनिए मनु जी ने मांगा, जरा सावधान हो जाइए आप लोग। बोल के नहीं लाल की दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुतु, प्रभु सन कमन दुरा। श्री राम जय राम। जय जय राम। दानियों में श्रेष्ठ करुणा बुरनाले, परिस्थिति बस मुझे मांगना पड़ रहा है, मेरे जीवन में मांगने के संस्कार नहीं है, लेकिन हम दोनों की स्थिति है, मेरी तृप्ति नहीं हुई, आपको जल्दी है, तो भगवान जी कृपा करके आप हमको ऐसा वरदान दे दो, आशीर्वाद दे दो कि आपके जैसा एक पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाए। चाहूं तुम ही समान सुतु, अब आपसे क्या छुपाना है, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके जैसा मुझे एक पुत्र हो जाए, ये वरदान दीजिए। क्योंकि आपके समान जो पुत्र होगा मैं उसको बैठा लूंगा और तृप्त होकर उसको देखता रहूंगा। आपको जहां जाना है जाइए, आपका काम भी बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, आपके जैसा एक पुत्र हो जाए। क्योंकि देखिए हम स्वरूप भरी लोचन, अतृप्त न मानी मन सतरूपा। जब भगवान जी प्रकट हुए, नील सरोरुह नीलमणि प्रकट हुए थे ना नैमिषारण्य, नील सरोरुह नीलमणि
नील नीर धर श्याम लाजई तन सोभानी रखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव सुंदरता के जो धनी है कामदेव, करोड़ों कामदेव जिसके सामने लज्जित हो जाए ऐसे सुंदरता के छवि भगवान प्रकट हुए। अब तो मन याद रहे श्री राम जय राम। ये चींटी होती है ना, चींटी कीड़िया चींटी, ये वहां यहां भटकती है, सब रसों को लेती हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनको गुड़ की ढेली न मिल जाए। जब गुड़ की ढेली रसराज मीठा की भेली गुड़ की ढेली मिल जाए तो अपने हाथ पांव पंखों को लपेटकर प्राण दे देती हैं, लेकिन फिर और किसी रस के तलाश में उस गुड़ को नहीं छोड़ती। इसी तरह से जीव क्षणिक सुंदरता पर दीवाना है कब तक, पागल है कब तक? जब तक सुंदरता धाम, सुंदरता के धाम राम को जीव नहीं देखता। हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कृपा झलक तो मिली है, नहीं तो काहे को टिके होते। बोल कन्हैया लाल की, श्री राम जय राम। प्रभु कृपा करके आप ऐसा वरदान दो कि आपके जैसा एक बेटा हो जाए। भगवान सोच में पड़ गए, बोले आपने ये क्या मांगा, हम आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। आपने मांगा मुझ जैसा, अरे राजन मैं तो सिंगल पीस हूं, इकलौता, मेरे जैसा न कोई था न कोई है और न कभी होगा, मैं तो अकेला ही हूं, आपने मेरे जैसा मांगा। श्री राम जय राम। बोले जी आपकी फोटो मैंने मांगी। बोले होती नहीं। बोले ठीक है, आपका रास्ता ये है मेरा रास्ता ये, लेकिन याद रखना नाम, गली गली में जाऊंगा, सिरोपट्टी भी जाऊंगा और कहूंगा भक्तों सावधान, वो कहते हैं मांग लो लेकिन देते लेते, अब आप जानो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है बदनामी। बोले नहीं आप मत कहना, अरे कोई और कुछ कहे नास्तिक तो कोई बात नहीं, मेरा भक्त जब बोलेगा तो फिर मैं कैसे, मेरे तो प्राण मेरे भक्ति ही हैं। ठहरो कुछ सोचता हूँ। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। बोले राजन मैं नहीं आऊं, मैं मेरे जैसा ना है, और अगर मैं ही आ जाऊं तो? बोले महाराज छोटी मुंह और बड़ी बात मैं कैसे कह सकता हूं। भगवान राम ने कहा कि सकुच बिहाई मान निरपमोही, संकोच छोड़कर मुझे ही मांग लो ना, मेरे जैसा क्यों मांगते हो, मैं नहीं दे सकता, मेरे को मांग लो। बोले मैं नहीं मांग सकता, मेरी हिम्मत इतनी नहीं, आप तो जगत के पिता हैं, मैं आपको बेटा के रूप में कैसे मांग सकता हूं। बोले अच्छा तो ठीक है, नहीं मांगते हो तो ना सही, मैं अपने आप आ जाऊं तुम्हारे घर बेटा बनकर, मैं अपने आप आ जाऊं। बोले महाराज स्वागत है, दरवाजा खुला है, आप बता दो आ सकते। तो भगवान ने कहा कि राजन समस्या का समाधान हो गया, आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, इसलिए नृप तब तन यहोब मैं आई, अब मैं अपने जैसा खोजने कहां जाऊं, इसलिए राजन जाओ हमने तुम्हें वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर के तुम्हारे घर में आऊंगा। बोले कब? बोले जरा धीरज रखो, बैकुंठ में जाओ, बैकुंठ में सुख भोगो और फिर अयोध्या में तुम्हारा जन्म होगा दशरथ नाम से, और फिर आपके घर में मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो खुश हो ना, तुमने मांगा था वो मिल गया ना, तृप्त होकर के देखते रहना।
खुश हो? बोले हाँ खुशी हूं। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो खुशी हूं? मनु जी ने सोचा कि जब मैं दशरथ बनूंगा तो मेरी तीन तीन रानियां होंगी, चौथा मैं होऊंगा और बेटा एक होगा, तो छीना छपटी चलेगी, कभी मैं खिलाऊंगा, कभी जेठकी, कभी छोटकी, कभी मंझली। देने वाला मूड में है तो लगे हाथ तीन लड़का, और क्यों न मांग लू। ये ऐसा स्वभाव है, जमी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। बोले खुशी हूं, क्या चाहते हो? बोले मैंने आपको थोड़ी मांगा था, हमने तो मांगा था चाहूं तुम्हें ही समान सूत्र, आपके जैसा, मैंने आपको तो मांगा ही नहीं। भगवान ने कहा समझ गया तुम्हारी बात, अच्छा राजन जाओ, हम वरदान देते हैं कि अनशन सहित सचारियु भाई, अपने जैसा किसी को दे सकते थे को, लेकिन नहीं, समझ गए तीन माए या चौथरी ये। बोले चार अंशावतार में, अंशावतार के रूप में मैं आऊंगा, और एक राम जी के जैसा हुआ, तीन हुए ना भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, एक बिल्कुल राम जी के जैसा हुआ, जानते कौन? जोर से बोलो, बहुत अच्छा बोले, भरत जी, राम जी के। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकी नर नारी। राम जी चले जाए, भरत जी चले जाए, लोग पहचान नहीं सकते थे कि राम कौन है और भरत कौन है, डिट्टो कॉपी, क्योंकि राजा ने मांगा था चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। लड़ लो भक्तवत्सल भगवान श्री राम, जो अव्यक्त है, गोचर है, वो दर्शन भी देते हैं, बातें भी करते हैं, और रिश्ते में जो बनाना चाहो बन भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान, ऐसा वो परमात्मा भगत हेतु लीला तनु गही। भगवान शरीर धारण करते हैं, और वो परमात्मा अगर डरता है तो केवल अपने भक्तों से डरता है, बाकी किसी से नहीं।